हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए हिंजेवाड़ी से 10 टू 15 मिनट्स के ड्राइव पर एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। यहां पर आपको 1 बीएचके और 2 बीएचके के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। 1 बीएचके का प्राइसिंग है 24 लाख का और उसका कारपेट है 359 स्क्वायर फीट का। वहीं 2 बीएचके का प्राइसिंग है 36 लाख का जिसका कारपेट एरिया है 581 स्क्वायर फीट का। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है। हम यहाँ पर आपके लिए 2 बीएचके का सैंपल फ्लैट का टूर कवर करने वाले हैं, साथ ही 1 बीएचके को हम शॉर्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 2 बीएचके के सैंपल फ्लैट का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 2 बीएचके के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 581 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर हमको ये लॉबी दी गई है जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है हमारे लिविंग एरिया और किचन से। आ जाइए। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है ओपन किचन जिसका साइज है 10.2x8 का और यहाँ पर आपको एल शेप का ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया जा रहा है। अगर हम इस तरफ के काउंटर को देखें तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमें एम्पल स्विचेस दिए जा रहे हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव और यहाँ पर हमको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इसी से लगा हुआ है हमारा एसएस सिंक जहाँ पर आपको 2 मूवेबल टैप दिए जाएंगे, साथ ही हमारे वाटर प्यूरिफायर को ध्यान में रखकर यहाँ पर प्रोविजन भी करके दिया जा रहा है। इस तरफ आ जाता है हमारा ड्राई एरिया जहाँ पर हमारे ड्राई एरिया को ध्यान में रखकर आपको एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है। और इस तरफ आप ये जो विंडो देख रहे हैं इससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है, साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे यूटिलिटी एरिया को ध्यान में रखकर वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है जहाँ पर आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए जाएंगे, साथ ही उसके लिए भी आपको यहाँ पर पावर पॉइंट दिया गया है। आ जाइए। इस तरफ आ जाता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया जिसका साइज है 15x9.6 का। आप यहाँ पर ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये टाइल्स भी आपको इसी तरह के प्रीमियम बिग साइज टाइल्स मिलने वाले हैं। अगर हम अपने सीटिंग के अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आप आराम से एक एल शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं अराउंड 4 to 6 सीटर का। बीच में आप चाहें तो एक सेंटर टेबल या कॉफी टेबल भी लगा सकते हैं। और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया गया है। आप चाहें तो अपना टीवी यूनिट इस तरफ लगा सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस बड़ा यूनिट लगाना है तो इस तरफ भी आप अपना टीवी यूनिट लगा सकते हैं। इस तरफ आपको ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन करके दिखाया गया है जहां पर आप अपना 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, आ जाइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर बालकनी। इसका साइज है 8.5x6 का और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आप ये जो डोर देख रहे हैं ये भी आपको वॉल टू वॉल मिलेगा जिससे आपको भरपूर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये आपको वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आप ये जो रेलिंग देख रहे हैं ये आपको डिसेंट हाइट की एसएस रेलिंग दी गई है, साथ ही यहाँ पर अच्छे व्यूइंग के लिए आपको टफन ग्लास लगा कर दिया जा रहा है। आ जाइए अपने हम कॉमन एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का स्पेस का वेस्टेज नहीं दिखाई देगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है किड्स बेडरूम, आ जाइए। सो दिस इज अवर किड्स बेडरूम जिसका साइज है 10x9 का। आप देख सकते हैं एक क्वीन साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहाँ पर कितना स्पेस मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको वार्डरोब के लिए नीच अलग से दिया जा रहा है, तो जो एरिया मैंने आपको बताया है वो आपको एरिया पूरा यूटिलाइज करने के लिए मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। आ जाइए। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम जहां पर आपको एक वॉश बेसिन दिया जा रहा है, साथ ही इस तरफ हमको बेडिंग का प्रोविजन करके दिया गया है। एंड इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट। यहां पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जगुआर और सेरा के रहने वाले हैं। प्लस इस तरफ आप ये विंडो देख रहे हैं इससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। आप यहाँ पर ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी आपको एज इट इज लेंटिल हाइट तक मिलेंगे। एंड फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स जो रहने वाले हैं वो हमारे एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे। आ जाइए आपने हम मास्टर बेडरूम को देखेंगे। सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 11x9 का और कॉमन बेडरूम के जैसे ही यहां पर भी आपको वार्डरोब के लिए नीच स्पेस अलग से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहां पर कितना स्पेस मिल जाता है। प्लस यहां पर आपको ये जो विंडो दी गई है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। इसी के ठीक सामने है हमारा मास्टर वॉशरूम, आ जाइए।
सो दिस इज अवर मास्टर वॉशरूम जहां पर आपको एक वॉश बेसिन दिया गया है, उसी से लगा हुआ है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और इस तरफ हमको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जगवार और सेरा के रहने वाले हैं। प्लस आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी आपको काफी प्रीमियम लुक वाले लेंटिल हाइट तक मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं। अगर प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स को देखें तो 8 एकर्स के लैंड पार्सल में 13 फ्लोर्स के 4 टावर्स मिलने वाले हैं। साथ ही यहां पर आपको सारी प्रीमियम एमिनिटीज मिल जाती हैं विच इंक्लूड स्विमिंग पूल और इसका पोजीशन है दिसंबर 2024 का। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।